राम राम। मेरा नाम यदवीर सिंह धाकड़ है, मुड़िया खेड़े का कृषक हूँ। ये 2 साल से श्री विधि तकनीक से धान की खेती करता हूँ। मैं आज रोपा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया आपको बताऊँगा। बारिश आने के कम 20 से 25 दिन पहले अपन को रोपा तैयार कर लेना चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद फिर छोटी छोटी क्यारियाँ तैयार करते हैं। क्यारी बनाते समय ध्यान रखें, कम से कम क्यारी की ऊंचाई 6 इंच होना चाहिए। क्यारी के अंदर 4 से 5 किलो गोबर का खाद डालना चाहिए। खाद डालने के बाद फावड़े से खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला लेना चाहिए। खाद मिलाने के बाद इसके बाद उसमें अपन पानी छोड़ देंगे। पानी भरने के बाद अपन उसको अच्छे से मचा लें और मचाने के बाद उसमें जो भी कूड़ा कचरा है उसको निकाल के बाहर करें। अपन क्यारी मचाने के बाद में बाहर निकल आएंगे, उसको इस फावड़ी से इसको लेवलिंग कर देंगे। धान के बीज को अपन ने पहले से उपचार करके और अंकुरित करके रखा हुआ है और इसके अंकुरित के बाद में अपन इसका छिड़काव कर देंगे। अपन को इस प्रकार से बीज का छिड़काव करना चाहिए। 1 एकड़ का रोपा तैयार करने के लिए 5x10 की कम से कम 5 क्यारियाँ, 4 से 5 क्यारियाँ तैयार करनी पड़ती हैं। मैं किसान भाई एवं दीदियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि श्री विधि से ही धान की खेती करें, आपको अधिक से अधिक धान में पैदावार मिलेगी और अधिक से अधिक आपको लाभ होगा। धन्यवाद।